कानपुर देहात के चर्चित बलवंत हत्याकांड में अदालत ने फिर तारीख आगे बढ़ाई। बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड की सुनवाई अपर जिला जज कक्ष संख्या 5 दुर्गेश की न्यायालय में चल रही है, जहां पीठासीन अधिकारी के अवकाश में होने के कारण केस में कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी और अगली तिथि 15 दिसंबर नियत करने का आदेश हुआ है। यह जानकारी वादी के अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने दी। बताया कि आरोपी आरक्षी शानू यादव के बीमार होने व 24 नवंबर से जिला अस्पताल कानपुर देहात में भर्ती होने की सूचना जिला कारागार चिकित्सक के अधीक्षक के न्यायालय भेजी गई। अन्य आरोपीगढ़ तत्कालीन शिवरी थाना प्रभारी राजेश सिंह, तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम, तत्कालीन मैथा चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडे सहित 7 पुलिसकर्मी जेल से न्यायालय में पेश किए गए। जितेंद्र चौहान ने बताया कि आरोपी शानू यादव के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मामले की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर कर मामले में एक वर्ष के अंदर निर्णय आदेश पारित करने का आदेश पारित किया है। आदेश के प्रमाणित प्रतिवादी अंगद सिंह की तरफ से न्यायालय में पूर्व की तिथि को दाखिल करते हुए आदेश का अनुपालन कराए जाने का लिखित प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। बताया कि मामले में आरोपियों के विरुद्ध आरोप विरचित होने हैं और आरोपियों द्वारा पिछली कई तिथियों में भी अपने अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु समय चाहा गया था, जिस पर न्यायालय ने नियत तिथि तक अपने अपने अधिवक्ता नियुक्त करने का आदेश पूर्व में किया था, किंतु पिछली तिथि में भी आरोपियों ने न्यायालय में पुनः मौखिक प्रार्थना करते हुए याचिका की थी। उन्होंने अभी अपने अधिवक्ता नियुक्त नहीं किए, अतः केस की कार्यवाही स्थगित कर उन्हें केस में अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु समय प्रदान किया जावे, जिस पर न्यायालय ने नियत तिथि तक अपने अधिवक्ता नियुक्त करने का आदेश किया था। बताया कि जेल में निर्द 8 आरोपियों की जमानत अपर जिला जज प्रथम न्यायालय से निरस्त होने के बाद एक आरोपी एसओजी के तत्कालीन आरक्षी शानू यादव का जमानत प्रार्थना उच्च न्यायालय से निरस्त हो चुका है। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर एक वर्ष में मुकदमे का निर्णय आदेश पारित करने का आदेश किया है। शिवरी क्षेत्र के ग्राम सरैया लालपुर शिवराजपुर निवासी अंगद सिंह ने थाना रनिया के अंदर अपने भतीजे बलवंत सिंह की दिनांक 12 दिसंबर को आरोपियों द्वारा पुलिस अभिरक्षा में बेरहमी से पूर्वक पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट लिखाई थी। मृतक व्यापारी बलवंत सिंह का कानपुर नगर में डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसमें मृतक के शरीर में 31 चोटें होना व उसी से मृतक की मृत्यु होना पाया गया था, जिसमें विवेचना में एसआईटी ने आरोपी तत्कालीन रनिया थाना प्रभारी व एक आरक्षी व जिला अस्पताल के एक चिकित्सक की नामजदगी गलत पाने का लेख लिखते हुए उनके पक्ष में अंतिम आख्या व केस में इरादतन हत्या की धारा 302 के तहत स्थान पर गैर इरादतन हत्या की धारा 304 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र प्रेषित किया था। जितेंद्र चौहान ने बताया कि 8 आरोपी जेल में निरुद्ध हैं, वहीं आरोपी गढ़ तत्कालीन रनिया थाना प्रभारी शिव प्रकाश सिंह, एसओजी आरक्षी महस गुप्ता व जिला अस्पताल के चिकित्सक पवन मौर्य को केस में तलब करने व मामले में आरोपियों को लूट व धारा 302 आईपीसी सहित अन्य सुसंगत धारा में संज्ञान लेते हुए वादी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया था, जिसे पूर्व में प्रथम अपर जिला जज चंद्रशेखर की न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। मृतक के पिता मुन्ना सिंह व मृतक के चाचा व मामले के वादी अंगद सिंह न्यायालय में पैरवी हेतु मौजूद हैं। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से विजय शंकर कौशल की रिपोर्ट।